हेलो स्टूडेंट्स आज की आपकी इंग्लिश की वर्कशीट आ चुकी है ये है वर्कशीट नंबर सिक्सटीन ये वर्कशीट इलेवेंथ अगस्त ट्यूसडे की वर्कशीट है आपको अगर इस चैनल पे वीडियोस और ये एक्सप्लेनेशन डिस्क्रिप्शन अगर अच्छी लग रही हैं तो आप ज़रूर इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और हम जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी वर्कशीट्स अपलोड करते हैं उसके सोल्यूशन अपलोड करते हैं तो आप नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाएंगे अगर इस चैनल पर तो आपको इमिडिएटली पता चल जाएगा जैसे ही हमने वर्कशीट अपलोड की है तो उम्मीद करते हैं आप जल्दी से इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करेंगे और इस वर्कशीट की जो डिस्क्रिप्शन है उसको पूरा पूरा सुनिए क्योंकि तब आपको बहुत अच्छे से ये समझ आ जाएगी आगे आपके एग्जाम्स में भी ये सभी बहुत काम आएंगे तो इसलिए चलते हैं अब आपकी वर्कशीट की तरफ तो ये जो वर्कशीट है आपकी ये कॉम्प्रीहेंशन बेस्ड वर्कशीट है ये आपकी पोयम है द रोड नॉट टेकन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट उनकी ये पोयम है बहुत ही फेमस पोयम है एक क्लासिक पोयम है ये और आई थिंक जब मैं स्कूल में थी मैंने भी पढ़ी है और मुझसे पहले जितने थे उन्होंने भी पढ़ी है और आगे भी मुझे लगता है ये पढ़ते रहेंगे क्योंकि इतनी फेमस पोयम है ये तो जल्दी से देख लेते हैं इस पोयम में क्या बताया गया है पोयम आपकी वर्कशीट में नहीं दी गई है लेकिन इस पोयम का डिस्क्रिप्शन यहाँ पर दिया गया है तो ध्यान दीजिएगा इस वर्कशीट में थोड़ी सी प्रिंटिंग मिस्टेक्स हैं जैसे कि पोयम का नाम है द रोड नॉट टेकन लेकिन यहाँ पर वर्कशीट में द नहीं है इधर लिखा हुआ और आगे भी क्वेश्चन में द नहीं है लेकिन खैर छोड़िए मैंने आपको बता दिया कि पोयम का नाम है द रोड नॉट टेकन अब देखते हैं वर्कशीट में क्या लिखा है द रोड नॉट टेकन इज अ वेल नोन पोएम अबाउट मेकिंग चॉइसिस दैट शेप अस रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज एन अमेरिकन पोएट हु राइट सिंपली बट इंसाइटफुली अबाउट कॉमन ऑर्डनरी एक्सपीरियंसेस तो ये जो पोयम है ये बहुत ही सिंपल पोएम है ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखी है जो एक अमेरिकन पोएट है वो सिंपली लिखते हैं लेकिन उनकी बातों में बहुत ही गहरा मीनिंग होता है बहुत ही डीप इंसाइट होती है उनकी पोयम में तो और वो भी बहुत ही कॉमन चीजों के बारे में लिखते हैं ऑर्डिनरी एक्सपीरियंसेस आपके राह चलते जो आपको एक्सपीरियंसेस हो जाते हैं या कुछ चीज आपने देखी या कोई आपको राह चलते कोई मोड़ मिला उसी पर बहुत ही सिंपल ऑर्डिनरी चीजों पर वो पोयम लिख जाते हैं और वही पोयम बहुत ही डीप मीनिंग वाली पोएम्स होती है इंसाइटफुल पोएम्स होती हैं तो ये जो पोयम है ये पोयम है अबाउट मेकिंग चॉइस दैट शेप अस ऐसे डिसीजन लेना या ऐसी चॉइसिस करना जिनसे हम बनते हैं जिनसे हमारा जीवन बनता है तो ये उसी पर बेस्ड पोएम है इन दिस पोएम द पोएट फाइंड हिमसेल्फ इन फ्रंट ऑफ टू डाइवर्जिंग रोड्स He is confused about which one to choose. तो जैसे कि आप इस पिक वन में देख सकते हैं पिक वन में आपको क्या दिख रहा है ये दो रोड्स दिख रही हैं, टू डाइवर्जिंग रोड्स दिख रही हैं। एक लेफ्ट जा रही है एक राइट right जा रही है और एक जो रोड है वो थोड़ी सी बीटन अप है मतलब ऐसा लग रहा है कि बहुत से लोग यहाँ पर चलकर गए हैं पर ये जो दूसरी रोड है इसको अगर ध्यान से देखे तो यहाँ पर अभी भी घास है यहाँ पर अभी भी ग्रास है तो इसलिए लग रहा है कि यहाँ कम लोग चलकर गए हैं वही साइड में इसमें एक थिंकिंग मैन की फोटो दी गई है एक ऐसा आदमी जो सोच रहा है सोच विचार कर रहा है तो ये जो आदमी है ये रॉबर्ट फ्रॉस पोएट को रिप्रेजेंट करता हुआ है तो ये पोयम भी इसी के बारे में है कि जो पोएट थे उन्होंने खुद को ये दो डाइवर्जिंग वुड्स रोड्स के फोक पे पाया उन्होंने ये पाया कि वो एक ऐसी जगह पहुंच गए हैं जहां पर दो रोड्स हैं दो रास्ते हैं जो दो अलग अलग दिशाओं में अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं और रॉबर्ट फ्रॉस्ट यहाँ पर कंफ्यूज हैं कि वो कौन सा रास्ता चूज करें ही लुक्स टूवर्ड्स देम वन ऑफ द रोड्स इज द मोस्ट यूज वन ग्रासी एंड वॉन्ट्स वेयर तो जैसा मैंने अभी आपको बताया एक रोड जो है वो लोगों ने बहुत यूज की है और दूसरी लोग अभी भी ग्रासी है क्योंकि अभी भी लोग उस पर चल के नहीं गए हैं तो वॉन्ट्स वेयर मतलब कि वो रोड चाहती है कि अभी लोग इस पर चले और इसको धीरे धीरे जो है मोस्ट यूज बनाए तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट कन्फ्यूज है कि वो कहाँ जाए

तो वो ऐसा ये इसलिए करने की सोचते हैं क्यों क्योंकि वो अपने जीवन में और लोगों के जीवन में और इस दुनिया में एक डिफरेंस लाना चाहते हैं कुछ नया करना चाहते हैं कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो इसी उम्मीद में वो ये वाला बीटन पाथ ना लेते हुए जिस जिस पर लोग ऑलरेडी चले हैं वो ना लेते हुए रेयरली यूज रेयरली यूज मतलब बहुत कम चला हुआ जो रास्ता है वो चुनते हैं ये जो है आपकी पिक टू में यहाँ पर बताया गया है कि देखिए वो यहाँ नहीं जा रहे हैं वो ये वाली जो ग्रासी रोड है ये यह एरो यहाँ दर्शा रहा है कि ये ग्रासी रोड जो है उससे वहां जा रहे हैं ही नोज दैट ही मे नॉट बी एबल टू कम बैक वंस ही हैज सिलेक्टेड वन ऑफ देम बट ही स्टिल मूव अ हेड ऑन दी ग्रीनर वन तो उन्हें पता है कि एक बार अगर उन्होंने ये रस्ता चुन लिया अगर उन्होंने कोई रास्ता चुन लिया इन दोनों में से तो वो वापस नहीं आ सकते हैं ये उन्हें पता है लेकिन फिर भी क्योंकि जीवन में इतनी चीजें आ जाती हैं कभी कुछ कभी कुछ और एक बार हम डिसीजन ले लेते हैं तो बस फिर वो उस रस्ते पर हम निकल पड़ते हैं तो उसी को दर्शाते हुए रॉबर्ट रॉस ने कहा है कि उन्हें पता था कि वो अगर इस रास्ते पर चल दिए तो फिर वापस कभी नहीं शायद पहुंच पाए आ पाएंगे तो फिर भी ये जानते हुए भी वो जो ग्रीनर रोड है जो ज्यादा जिस पर घास है जो कम चली हुई रोड है उस पर वो चल पड़ते हैं द रोड सिंबलाइजेज आर लाइफ तो ये अफकोर्स जो ये रोड है ये जो रास्ते हैं ये हमारी जिंदगी दर्शाता है ये बताता है कि हमारा जीवन भी इन अलग अलग राहों की तरह इन अलग अलग रास्तों की तरह है एट सम पॉइंट वी ऑल फेस सच सिचुएशन वेन वी हैव टू टेक एन इम्पॉर्टेंट डिसीजन तो हमारे जीवन में जरूर ऐसे पल आते हैं जब हमें भी कुछ इस तरह के डिसीजन लेने पड़ते हैं जब हमें भी दो रस्तों में से च्वाइस करनी पड़ती है हम एक साथ दोनों रस्तों पर नहीं चल सकते और दोनों में से एक हमें चुनना पड़ता है वी मे लुक बैक इन लाइफ एंड रिमेंबर दैट मोमेंट इट इज दैट डिसीजन विच अफेक्ट्स आवर फ्यूचर तो ऐसा होगा जरूर होगा कि हम अपनी जिंदगी में रुकेंगे और फिर मुड़कर देखेंगे तो हमें वो मोमेंट याद आएगा जब हमने अपने जीवन में ऐसे रास्तों में से कोई चॉइस की थी कोई निर्णय लिया था और वही जो हमने निर्णय लिया है वही जो हमने डिसीजन लिया है वही हमारा जो डिसीजन है वही हमारा फ्यूचर अफेक्ट करता है वही हमारा आगे हमारा आने वाला जो कल है वो डिसाइड करता है कि आगे क्या होगा सो बिफोर यू मेक डिफिकल्ट चॉइसेस इन लाइफ ऑलवेज थिंक चॉइस तो अपनी जिंदगी में जब भी आप कोई डिफिकल्ट चॉइस करने वाले हैं जरा रुकीये ठहरिए और जरूर दो बार सोचिए और फिर डिसीजन लीजिए तो आपकी जिंदगी में अभी फिलहाल कैसे कैसे आ सकते हैं डिफिकल्ट चॉइसेस जैसे कि आप टेंथ के बाद आप क्या स्ट्रीम चूज करना चाहते हैं या आप आगे क्या बनना चाहते हैं तो ये जो डिसीजन है आपकी जिंदगी के बड़े इंपॉर्टेंट डिसीजन होते हैं इसका मतलब ये नहीं है कि आप इन बातों पर बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेंगे या बहुत ज्यादा सोचेगी क्योंकि क्या पता क्या रहा आपको कहाँ ले चले तो उम्मीद करते हैं कि जो भी आप राह चुनेंगे वो आपको अच्छी ही जगह लेकर जाएगी लेकिन हाँ एक बात ध्यान रखिए कि जो भी आप डिसीजन ले उससे पहले आप जरा एक बार रुक कर सोचें तो यही जो पोयम है द रोड नॉट टेकन इस पे बेस्ड आपकी वर्कशीट है जल्दी से ये वर्कशीट भी देख लेते हैं बहुत ही सिंपल वर्कशीट है जल्दी से ये क्वेश्चन देख लेते हैं उम्मीद करती हूं आपको अच्छे से पोयम समझ आ गई होगी कोई भी डाउट हो तो आप जरूर पूछिए इसलिए मैं ज्यादा ये आंसर्स यहां पर डिस्क्राइब नहीं करूंगी क्योंकि डिस्क्रिप्शन मैंने आपको डिटेल दे दिया है तो पहला आ जाते हैं पार्ट ए व्हाट इज द नेम ऑफ द पोएम पोएम का नाम क्या है ये तो मुझे बिल्कुल बहुत अच्छे से याद है पोएम का नाम है द रोड नॉट टेकन अब ये ऑप्शन है ऑप्शन थर्ड रोड नॉट टेकन वैसे तो यहाँ पर द मिसिंग है लेकिन कोई बात नहीं हम अभी के लिए द इग्नोर कर देते हैं तो ये हम चूज कर लेते हैं रोड नॉट टेकन लेकिन अगर आपकी मैम कह रही है कि द भी इंपॉर्टेंट है तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन फोर ठीक है तो इस बात का ध्यान रखिएगा आगे चलते हैं हु इज द पोएट ऑफ दिस पोएम तो इस पोएम का पोएट कौन है मैं इतनी बार आपको डिस्क्रिप्शन में बता चुकी हूं इस पोएम का पोएट है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ये नाम अच्छे से याद कर लीजिए क्योंकि टेंथ में भी आपकी इन, इस राइटर की इस पोएट uh, की एक पोएम होगी और ये बहुत ही फेमस पोएट है तो ये अच्छे से याद कर लीजिए इन पिक वन डू यू ऑब्जर्व तो जब आप पिक वन देखते हैं मैंने आपको डिस्क्राइब भी की थी ये पिक तो आपको क्या क्या दिखता है ऑप्शन टू डाइवर्जिंग रोड्स दो अलग अलग रस्ते जाती हुई uh, राहें दिख रही हैं आपको रोड्स दिख रही हैं अ थिंकिंग मैन थ्री नन ऑफ देम फोर्थ बोथ वन एंड टू तो ऑप्शन फोर जो है आपका सही ऑप्शन होगा क्यों क्योंकि टू डाइवर्जिंग रोड्स भी आपको दिख रही हैं पिक वन में और थिंकिंग मैन भी आपको दिख रहा है पीछे अगर वीडियो दोबारा देखेंगे तो आप पिक वन देख सकते हैं आगे चलते हैं क्वेश्चन डी पर द पोएट डिसाइड्स टू टेक अप व्हिच वन ऑफ द रोड्स तो पोएट क्या डिसाइड करता है कौन सी रोड जाएगा वो तो पोएट डिसाइड करता है कि वो उस रोड पर चलेगा जो बहुत कम यूज हुई है तो ऑप्शन ए है वन है आपका रेयरली यूज्ड बहुत कम यूज हुई सेकंड है मोस्ट यूज्ड बहुत ज्यादा यूज हुई थर्ड केप्ट स्टैंडिंग वो वहां खड़ा रहता है फोर्थ वेंट बैक होम वो घर चला जाता है तो ऑब्वियसली ऑप्शन वन जो है रेयरली यूज ये आपका सही ऑप्शन है क्वेश्चन ई e है आपका इनपिक टू वट डू यू ऑब्जर्व अगेन पीछे जाएंगे तो आपको पिक टू भी नजर आ जाएगी पिक टू में आपको क्या क्या दिखता है ऑप्शन वन अ वॉकिंग मैन चलता हुआ आदमी दिखता है जी हाँ बिल्कुल दिखता है ऑप्शन टू एन एरो हाँ एरो भी दिखता है ऑप्शन थ्री ग्रासी रोड घास से भरी हुई रोड दिखती है जी हाँ वो भी दिखती है ऑप्शन फोर ऑल ऑफ देम तो आप देख सकते हैं कि ऑप्शन फोर जो है वो सही है क्योंकि आपको ये सब दिखता है ऑप्शन वन टू थ्री तीनों दिखते हैं अब चलते हैं क्वेश्चन फोर क्वेश्चन फोर है आपका द रोड आर ऑप्शन लाइफ फैमिली स्कूल नंबर्स तो ये भी आपकी वर्कशीट में है डायरेक्ट क्वेश्चन है द रोड सिंबलाइजेज आर लाइफ ये जो रोड uh, है जो रास्ते यहाँ दिखाए गए हैं वो हमारे हमारी जिंदगी दर्शाते हैं फिर क्वेश्चन जी है वी शुड थिंक ट्वाइस बिफोर टेकिंग एनी डिसीजन इन लाइफ बिकॉज दे तो हमें अपनी जीवन में कोई भी निर्णय लेने से पहले कोई भी डिसीजन लेने से पहले दो बार सोचना चाहिए क्यों क्योंकि वो ऑप्शन वन डिसाइड आर डेस्टिनेशन वो हमारा डेस्टिनेशन हम कहाँ पहुंचने वाले हैं वो बताते हैं वो डिसाइड करते हैं ऑप्शन टू अफेक्ट आर फ्यूचर वो हमारा आने वाला कल इन्फ्लुएंस करते हैं वो कैसा होगा वो बताते हैं ऑप्शन थ्री देर लाइफ तो हमारे जो डिसीजंस होते हैं उन्हीं से हमारा जीवन बनता है वो किस तरह की का रंग लेगा किस तरह का जीवन होगा वो डिसाइड करते हैं ऑप्शन फोर ऑल ऑफ देम यहाँ ऑप्शन फोर सही होगा क्योंकि ऑफकोर्स हमारे जो डिसीजन है वो ये तीनों करते हैं फिर आ जाते हैं क्वेश्चन एच पर एच है आपका विच वन इज एन एंटोनिम ऑफ डिसीजन तो अब तक आपको पता ही होगा एंटोनिम का मतलब है ऑपोजिट मतलब कि विपरीतार्थक शब्द तो डिसीजन का विपरीतार्थक क्या है वन है आपका चॉइस ऑप्शन वन टू है आपका अनसर्टेनिटी थ्री है रेजोल्यूशन फोर्थ है सिलेक्शन तो अगर इन वर्ड्स को ध्यान से देखें तो डिसीजन का मतलब होता है निर्णय लेना मतलब कि एक आपने स्ट्रॉन्ग डिसाइड कर लिया है कि यही मुझे करना है तो एक स्ट्रॉन्ग ओपिनियन है कि येस दिस इज वॉट आई हैव डिसाइडेड आपका ऑप्शन वन है चॉइस चॉइस मतलब कि आप सोच रहे हैं कि ये करूं या वो करूं ऑप्शन टू है अनसर्टेनिटी मतलब कि ये क्या हो सकता है या नहीं हो सकता है यू आर नॉट रियली श्योर तो आप अभी सोच नहीं पाए हैं ये डिसाइड नहीं कर पाए हैं कि ये करें या ना करें तो एक अनसर्टेनिटी है थ्री जो ऑप्शन है आपका रेजोल्यूशन उसका मतलब है किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन आ जाना तो सल्यूशन मिल जा मिल गया मतलब रेजोल्यूशन फोर्थ मतलब सिलेक्शन मतलब चुनना किसी चीज को चुनने को सिलेक्शन कहते हैं तो आप देख सकते हैं कि डिसीजन एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग वर्ड है एक स्पेसिफिक चीज है आप सर्टेन हो जाते हैं तो आप डिसीजन लेते हैं इसीलिए यहाँ ऑप्शन टू अनसर्टेनिटी आपका एंटोनिम हो जाता है क्योंकि अनसर्टेनिटी में आप श्योर नहीं है आप अनसर्टेन है आपको पता नहीं ये ये करूं या नहीं करूँ आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं उम्मीद करते हैं ये वर्कशीट आपको समझ आ गई होगी कोई भी डाउट है तो आप बिल्कुल पूछिए कमेंट सेक्शन में अब हम चलते हैं जल्दी से आपकी सोशल साइंस की वर्कशीट पर तो बच्चों आपकी सोशल साइंस की वर्कशीट है इकोनॉमिक्स की वर्कशीट यानी अर्थशास्त्र की वर्कशीट ये ग्यारह अगस्त ट्यूजडे की वर्कशीट है वर्कशीट नंबर सोलह ये है पालमपुर विलेज पालमपुर गांव पर बनी ये वर्कशीट है आप ये स्क्रीन देख के घबराइए नहीं मैं यहाँ पर इंग्लिश की वर्कशीट इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि कुछ लोगों ने कहा कि इन्हें उन्हें व्यू करने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी तो मैं सोच रही हूँ कि आपको ये इंग्लिश की वर्कशीट दिखा दू लेकिन हम आंसर जो है और जो डिस् डिस्कशन है जो डिस्क्रिप्शन है वो हम आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में देंगे तो आप इस वर्कशीट के साथ इस वीडियो के साथ बने रहिए और इस डिस्क्रिप्शन को ध्यान से सुनिए आगे चलते हैं अब देख लेते हैं कि आपकी वर्कशीट में क्या क्या है तो इस वर्कशीट में आपको एक पालमपुर नाम का गांव है और ये गांव जो है बहुत ही काल्पनिक गांव है ये सच में ऐसा गांव नहीं है ये एक इमेजिनरी विलेज है काल्पनिक गांव है उसकी आपको यहाँ पर स्टोरी बताई गई है अब पालमपुर गांव में क्या डिफरेंट टाइप्स की प्रोडक्शन एक्टिविटीज होती हैं तो क्या अलग अलग आर्थिक क्रियाएं होती हैं उनका यहाँ पर वर्णन है और ये वर्णन यहाँ इसलिए किया गया है क्योंकि लगभग भारत के हर गांव में लगभग भारत के हर विलेज में यही एक्टिविटीज होती हैं तो ये सिमिलर है तो इसलिए ये काल्पनिक गाँव है पालमपुर उसके उसका यहाँ पर वर्णन यहाँ डिस्क्रिप्शन किया गया है तो जल्दी से देख लेते हैं क्या बताया गया है यहाँ पर फार्मिंग इज द मेन एक्टिविटी इन पालमपुर वेर आर सेवरल अदर एक्टिविटीज सच एज स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग डेयरी ट्रांसपोर्ट एट्रा आर कैरीड आउट ऑन अ लिमिटेड स्केल तो पालमपुर जो जगह है पालमपुर जो गांव है वहां पर कृषि एक मुख्य क्रिया है वहां पर फार्मिंग वहां खेतों में काम जो किया जाता है वही मेन एक्टिविटी है वही मुख्य क्रिया है जबकि दूध का विक्रय मतलब कि डेयरी का काम दूध से रिलेटेड दही बनाना दूध बनाना दूध बेचना पनीर बेचना ये सब इसका काम यातायात का काम ट्रांसपोर्ट का काम छोटे पैमाने का विनिर्माण मतलब कि छोटे पैमाने पर स्मॉल स्केल पर मैन्युफैक्चरिंग का काम ये सब भी होता है लेकिन ये बहुत ही सीमित मात्रा में होता है ये बहुत ही लिमिटेड स्केल में होता है अब और क्या होता है पालमपुर में इन द काइंड ऑफ क्रॉप्स ग्रोन एंड फैसिलिटीज अवेलेबल पालमपुर वुड अ विलेज ऑफ द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश तो गाँव में जिस तरह की फसलें उगाई जाती हैं तथा जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं उनको अगर देखे तो पालम कैसा दिखता है पालम पश्चिमी उत्तर प्रदेश में स्थित कोई गांव अगर है तो वैसा दिखता है तो ऐसा नहीं है कि अगर पालमपुर के बारे में यहाँ पर बताया गया है तो आप भारत के कोई भी गांव उठाएंगे तो वो बिल्कुल ऐसा दिखेगा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि ऑफकोर्स भारत खुद में ही इतना विविध देश है इतना डाइवर्स कंट्री है तो हो सकता है साउथ इंडिया में अलग हो और वेस्ट इंडिया में अलग हो लेकिन अगर आपको थोड़ी सी सिमिलैरिटी देखनी है तो उत्तर प्रदेश का जो पश्चिमी एरिया है उत्तर प्रदेश का जो वेस्ट एरिया है वेस्टर्न पार्ट है वहां के जो गाँव है पालमपुर थोड़ा वैसा दिखता है नाउ पालमपुर इज वेल कनेक्टेड विद नेबरिंग विलेजेस एंड टाउन्स पालमपुर गांव अपने आसपास के गांव और शहर से बहुत अच्छे से जुड़ा हुआ है रायगंज अग विलेज इज थ्री किलोमीटर रोड कनेक्ट दिलेज टू रायगंज एंड फर्दर ऑन टू दियरेस्ट स्मॉल टाउन ऑफ शाहपुर ये कैसे वेल well कनेक्टेड है अपने आसपास के गांव और शहर से यहाँ एक एग्जाम्पल दिया हुआ है जैसे कि रायगंज नाम का एक बहुत बड़ा गांव है जो पालमपुर से तीन ही किलोमीटर दूर है बहुत ज्यादा दूर नहीं है वही गांव के पास के कस्बे शाहपुर से भी पालमपुर पक्की सड़क द्वारा जुड़ा हुआ है तो एक बहुत बड़ा कस्बा है टाउन है शाहपुर उससे भी जो ये पालमपुर है पक्की सड़क से जुड़ा हुआ है तो आपका आना जाना वहां पर बहुत ही इजी है आगे चलते हैं दिस विलेज हैज अबाउट 450 फिफ्टी फैमिलीज बिलोंगिंग टू सेवरल डिफरेंट कास्ट गांव में विभिन्न जातियों के कुल मिलाकर साढ़े चार सौ परिवार हैं। मोस्ट ऑफ द हाउसेज है इलेक्ट्रिक कनेक्शन गाँव के तमाम घरों में बिजली की सुविधाएं है बिजली वहां पर है इलेक्ट्रिसिटी पावर्स ऑल द ट्यूबवेल्स इन द फील्ड एंड इज यूज इन वेरियस टाइप्स ऑफ स्मॉल बिजनेसेस तो खेतों में जो ट्यूबवेल है वो बिजली के द्वारा चलते हैं तथा वही छोटे व्यवसायों में भी बिजली का प्रयोग होता है तो इलेक्ट्रिसिटी वहां पर इजिली अवेलेबल है कोई इश्यू नहीं है पालमपुर हैज टू प्राइमरी स्कूल्स एंड वन हाई स्कूल वहां पर एक दो प्राथमिक विद्यालय है और एक हाई स्कूल मतलब कि एक उच्च उच्चतर विद्यालय भी है वहां पर देर इज अ प्राइमरी हेल्थ सेंटर रन बाय द गवर्नमेंट एंड वन प्राइवेट डिस्पेंसरी वेर द सिक आर ट्रीटेड वही गाँव में एक प्राथमिक चिकित्सा का केंद्र भी चल रहा है जो की सरकार द्वारा संचालित किया गया है और एक प्राइवेट डिस्पेंसरी भी चल रही है जहां पर जो बीमार लोग आते हैं उनका ध्यान रखा जाता है उनकी तीमारदारी की जाती है लास्ट पॉइंट दिया गया है पालमपुर के बारे में कि इट हैज़ फेयरली वेल डेवलप्ड सिस्टम ऑफ रोड्स ट्रांसपोर्ट इलेक्ट्रिसिटी इरिगेशन स्कूल्स एंड हेल्थ सेंटर तो पालमपुर गांव में सड़कों यातायात के साधनों बिजली सिंचाई स्कूल और स्वास्थ्य केंद्र की अच्छी व्यवस्था है वहां पर कोई दिक्कत नहीं है अब इसी पे बेस्ड आपके क्वेश्चन है जल्दी से ये क्वेश्चन भी देख लेते हैं हम आपके सैम्पल आंसर्स भी साथ के साथ डिस्कस करते हैं लेकिन आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए और इन सैंपल आंसर आंसर्स को देखते हुए अपने आंसर्स जरूर लिखिए क्वेश्चन वन है आपका हैव यू एवर सीन अ विलेज वट इज योर इमेजिनेशन ऑफ द पालमपुर विलेज क्या आपने कभी एक गाँव देखा है और आपके हिसाब से पालमपुर गाँव की क्या और ऐसी कल्पना है तो आपको लगता है कि पालमपुर गांव दिखने में कैसा है तो आइए आपका सैम्पल आंसर देख लेते हैं ये आपका आंसर है यस आई हैव सीन अ विलेज दैट इज इन माई होम टाउन मैंने अपने गृह नगर में गांव देखा है तो आपका होम टाउन जो है वहां आप कह सकते हैं कि आपने गांव देखा है पालमपुर विलेज लुक्स लाइक एन आइडियल विलेज वेयर ऑल द नेसेसरी फैसिलिटीज नीडेड टू लिव अ गुड एंड सिंपल लाइफ आर अवेलेबल तो पालमपुर गांव जो है एक आदर्श गांव की तरह दिखता है जहां एक अच्छा और सरल जीवन जीने के लिए आवश्यक सभी महत्वपूर्ण सुविधाएं उपलब्ध हैं People are आर सेल्फ their different small scale production activities and it seems like a prosperous village to लोग jo hain अपने विभिन्न छोटे पैमाने पर उत्पादन gatividhiyon के माध्यम से आत्मनिर्भर hain और ये एक समृद्ध गांव जैसा लगता है आपका दूसरा प्रश्न यहाँ पर कहता है वॉट रीजन डू यू फाइंड ऑफ हैविंग फार्मिंग एज द मेन एक्टिविटी इन ऑलमोस्ट ऑल इंडियन विलेजेस सो एज पालमपुर तो आपको ऐसा क्या लगता है ये क्या रीजन हो सकता है कि फार्मिंग जो है खेती जो है वो गाँव में इंडिया के जो गाँव है भारत के जो गाँव है उनमें मेन एक्टिविटी है मुख्य क्रिया है और जैसा कि पालमपुर में भी दिखाया गया है वहां पर भी ऐसा है तो चलिए सैंपल आंसर देख लेते हैं आपका प्रश्न दो का आंसर आप लिखेंगे ऑलमोस्ट ऑल विलेजेस जस्ट लाइक पालमपुर हैव फार्मिंग एज देयर मेन एक्टिविटी

पालमपुर की तरह ही लगभग सभी गांवों में खेती करना मुख्य लोगों की मुख्य गतिविधि है क्यों क्योंकि जो वहां की भूमि है वो बहुत ही विशाल है बहुत ज्यादा वास्ट एरिया है और सिंचित भूमि है वो सिंचाई वहां पर अच्छी होती है वहां की क्लाइमेट वहां अनुकूल जलवायु है और खेती के लिए मजदूरों की उपलब्धता भी है तो इसलिए ऐसा हो सकता है कि वहाँ खेती होती है फार्मिंग में इवन बी द मेन एक्टिविटीज इन जनरेशन डेर फोर पीपल मे हैव कंटिन्यूड विद द सेम तो ऐसा भी हो सकता है की पीढ़ियों से खेती मुख्य गतिविधि हो सकती है इसीलिए भी लोग उसे जारी रख सकते हैं their needs are being met through this activity which may be all that they know and therefore they may not have thought of shifting to any other activity तो so, ऐसा भी है कि इस गतिविधि के माध्यम से क्रिया इस क्रिया के माध्यम से खेती के माध्यम से उनकी सभी जरूरतें पूरी होती हैं तो इसलिए उन्होंने कभी सोचा नहीं कि वो अन्य गतिविधि में जाएं या कुछ और करें इसलिए हो सकता है कि पालमपुर की तरह सभी गांवों में फार्मिंग जो है वो मेन एक्टिविटी है अब आपका क्वेश्चन थ्री आ जाता है हाउ द टू प्लेसेस तो आपको यहाँ पर बताना है कि अप, आप जो अपनी सिटी अपनी जो दिल्ली सिटी uh, में रह रहे हैं वहां पर रहना पालमपुर जैसे गांव में रहने में क्या डिफरेंस होगा और इनकी दोनों जगहों की दिल्ली की और पालमपुर की आपको फैसिलिटीज कंपेयर करनी है वहाँ क्या सुविधाएं हैं और क्या शॉर्टेजेस हैं वहां पर क्या क्या नहीं है असुविधाएं हैं वो आपको कंपेयर करना है तो आइए इसका भी आंसर देख लेते हैं तो आंसर थ्री आपका है इट विल बी डिफरेंट टू लिव इन अ सिटी लाइक दिल्ली दिल्ली एंड टू लिव इन पालमपुर दिल्ली जैसे शहर में रहना और पालमपुर में रहना जरूर अलग होगा In terms of facilities, Palampur provides fresh dairy products, organic freshly grown wheat, vegetables, and fruits. प्योर एयर टू ब्रीदेस टू मूव अराउंड एन गो फॉर नेनेक्टिविटीज इन दिलेज एंड कम्युनिटी फीलिंग आपको क्या क्या मिलता है पालमपुर में पालमपुर में अगर सुविधाएं देखी जाए तो सुविधाओं के संदर्भ में पालमपुर में ताजा डेयरी अवेलेबल है वहां पर आप दूध दही घी ये सब आपको इजिली अवेलेबल है और वो भी ताज़ा अवेलेबल है फ्रेश अवेलेबल है फिर जैविक रूप रूप से उगाए गए गेहूं तो ऑर्गेनिक फार्मिंग वहां पर हो सकती है वहां पर लोग बहुत वैसे इंडस्ट्रीज में बने हुए फर्टिलाइजर्स यूज ना करते हो ऑर्गेनिक वहां पर आपको गेहूं सब्जियां फल ये सब मिलेगा आपको सांस लेने के लिए शुद्ध हवा मिलेगी आपको प्रकृति में सैर करने के लिए विशाल और बहुत अलग अलग तरह के क्षेत्र मिलेंगे गाँव में आप अलग अलग परिवारों के साथ आसानी से संपर्क बना सकते हैं और साथ ही साथ एक कम्युनिटी फीलिंग वहां मिलेगी आपको वहां पर एक सामुदायिकता की जो भावना है वो आपको ये पालमपुर गांव देगा साथ ही साथ आई इमेजिन इट टू बी अ सिंपल एंड स्लो पेस्ड लाइफ एज कम्पेयर टू लाइफ इन सिटी तो आप ये इमेजिन कर पा रहे हैं मैं कल्पना करता हूं कि ये एक शहर में जीवन की तुलना में सरल और धीमी गति से चलने वाला जीवन है तो आपकी लाइफ जो एक विलेज में होगी वो स्लो होगी लेकिन सिटी में डेली में हम भाग-दौड़ी में लगे रहते हैं इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं जॉब पे जा रहे हैं ये जाना है वो जाना है तो एक सिटी में जिंदगी जो है बहुत तेज गति से चलती है वहीं एक गाँव में जिंदगी जो है वो कंपेरेटिवली बहुत ही धीमी गति से चलती है

रोजगार करना है या पेशा करना है तो उसके जो अवसर हैं वो बहुत ही सीमित हैं पालमपुर में एज कंपेयर टू अ सिटी लाइक डेली डेली के कंपेरिजन में वहीं पर सीमित किस्म की वहां पर चीजें उपलब्ध हैं अब आप बोले कि मैं दिल्ली में कोरिया में साउथ कोरिया में बने हुए नूडल्स खरीदना चाहता हूं तो आपको वहां फिर भी शॉप्स मिल जाएंगी जहां पर ये नूडल्स आपको मिल जाएंगे लेकिन जरूरी नहीं कि आपको पालमपुर जैसे गांव में ऐसी चीजें मिले तो सीमित किस्म की वहां पर चीजें उपलब्ध होंगी मनोरंजन के सीमित साधन है अब दिल्ली में आपको थिएटर दिखेंगे आपको अम्यूजमेंट पार्क्स मिल जाएंगे लेकिन गांव में आपको वो शायद ना मिले आपको मेले में आप जा सकते हैं आप इधर उधर घूमने जा सकते हैं खेतों में लेकिन बहुत ही सीमित तरह की ऐसी साधन होंगे और साथ ही साथ आसपास की दुनिया से जुड़ने के सीमित तरीके हो सकते हैं आप अगेन डेली जैसी सिटी में आप इंटरनेट का यूज़ कर सकते हैं आप ट्रैवल कर सकते हैं आपका एयरपोर्ट है वहां पर आप ट्रेन से बहुत सारा ट्रेन कनेक्टिविटी है लेकिन वहीं गाँव में ना एयरपोर्ट होगा और हो सकता है इंटरनेट की कनेक्टिविटी भी शायद इतनी ना हो तो इसलिए औरों से मिलने के और दुनिया से जुड़ने के जो तरीके हैं वो बहुत ही लिमिटेड हो सकते हैं चलिए अब जल्दी से आपके क्वेश्चन फोर पर चलते हैं लास्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन फोर पालमपुर हैज फेयरली वेल डेवलप्ड इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सप्लेन आपको ये एक्सप्लेन करना है कि पालमपुर में जो सुविधाएं हैं जो वहां पर चीजें जो बनी हुई है जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत ही वेल well डेवलप्ड है पालमपुर जो है वो एक वहां पर वेल डेवलप्ड इंफ्रास्ट्रक्चर है वहां पर बुनियादी व्यवस्था जो है वो बहुत अच्छी है इसका आपको डिस्क्रिप्शन देना है ये अगेन वर्कशीट से बहुत डायरेक्टली लिखा हुआ आंसर है कि वो नेबरिंग विलेजेस और टाउन्स जो है जो पड़ोसी गांव और कस्बे हैं उनसे अच्छे से जुड़ा हुआ है वहां पर इलेक्ट्रिक कनेक्शंस है बिजली के कनेक्शंस है वहां पर जो ट्यूबवेल well हैं और जो स्मॉल बिजनेस हैं वो जो है बिजली से चलते हैं वहां पर जो विद्यालय है दो प्राथमिक विद्यालय है एक उच्च विद्यालय है हाई स्कूल है प्राइमरी स्कूल है वहां पर हेल्थ सेंटर्स हैं और सड़कें हैं परिवहन है यातायात है बिजली है सिंचाई है तो ये सब जो है आपको इस आंसर में लिखना है जो वर्कशीट में ऑलरेडी आपके है तो उम्मीद करते हैं ये वर्कशीट आपको अच्छे से समझ आ गई होगी इस चैनल को जरूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिए आप और कोई भी अगर डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए हमसे नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाएंगे तो आपको हमसे बार बार पूछना नहीं पड़ेगा कि वर्कशीट कब आएगी या कैसे आएगी आपको इमीडिएटली पता चल जाएगा कि वर्कशीट आ गई है Thank you.